वर्ल्ड फ्लोरल शो की। तो जयपुर के डिग्गी पैलेस में वर्ल्ड फ्लोरल शो का आयोजन चल रहा है। आज दूसरे दिन फर्स्ट इंडिया न्यूज के चैनल हेड जगदीश चंद्र ने वर्ल्ड फ्लोरल शो विजिट किया और इस मौके पर आयोजक अभिषेक पोद्दार, कमला पोद्दार सहित कई गणमान्य लोग वहां पर मौजूद रहे और इस शो में दिशा संस्थान की ओर से भी स्टॉल लगाई गई है। दिशा के स्पेशल बच्चों की ओर से बनाए गए आर्ट एंड क्राफ्ट और कुकिंग को प्रदर्शित किया गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डिग्गी पैलेस में 13वें वर्ल्ड फ्लोरल शो ग्रैंड फ्लोरल अफेयर 2020 का आगाज हो चुका है। 1 मार्च तक चलने वाले इस शो में 28 देशों से 500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ फ्लोरल आर्टिस्ट और पुष्पा बिट्टन फ्रेंडशिप सोसाइटी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन कमला पोद्दार ग्रुप और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। 13वें वर्ल्ड फ्लोरल शो ग्रैंड फ्लोरल अफेयर 2020 का पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। मेरे ख्याल से मैडम पोद्दार ने जो व्यवस्था की है और जो अलग अलग देशों से यहाँ 28 देशों से यहाँ लोग आए हैं पार्टिसिपेट करने, आर्टिस्ट जो आए हैं उन्होंने अपनी अपनी कलाएँ दिखाई हैं, ये टूरिज़्म के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है और हम हर साल कोशिश करेंगे इसको इससे और बड़े लेवल पर बनाने के लिए। जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज जीते हैं उनको मेरी शुभकामनाएं और मैडम को भी शुभकामनाएं और शुभकामनाएं जितने लोगों ने भी यहाँ मेहनत करके, इतनी मेहनत करके और इस एग्जीबिशन को सफल बनाया। क्यों खास है फ्लोरल शो? शो का भारत में पहली बार आयोजन, शो को लेकर पर्यटन विभाग उत्सुक, 25,000 से ज्यादा विजिटर आने की संभावना। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ फ्लोरल आर्टिस्ट द्वारा आयोजित, पुष्पा बिट्टन फ्रेंडशिप सोसाइटी, कमला पोद्दार ग्रुप, राजस्थान पर्यटन के सहयोग से आयोजन। शो में दुनिया भर से लोग पहुंचे हैं। फूलों की खास सजावट और उनसे बनाई गई आकृतियां बेहद आकर्षक हैं। तो